हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ नर्सिंग फाउंडेशन का रिसेंट क्वेश्चन पेपर। जून 2024 का क्वेश्चन पेपर है। बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से रहने वाले हैं। एंड आपका थ्योरी क्वेश्चन पेपर 75 मार्क्स का रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लॉन्ग एंड ऐसे टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर। तो आपने इनमें से अटैम्प्ट एनी वन, आपको यहाँ पर तीन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तीन में से कोई भी आपने एक क्वेश्चन यहाँ पर करना है। फर्स्ट है इसमें डिस्क्राइब द पर्पस एंड प्रोसेस ऑफ हेल्थ असेसमेंट, एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ फिजिकल असेसमेंट। सेकंड है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ आईवी इंजेक्शन। थर्ड है इसमें डिस्क्राइब द नेचर, टाइप्स, स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, डिस्कस द हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। नोसोकॉमल इन्फेक्शन, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, नोसोकॉमल इन्फेक्शन के बारे में आपने बताना है, उसके नेचर, टाइप, स्टेजेस। तो टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट रहेंगे यहाँ पर। अटेम्प्ट एनी फाइव आपने यहाँ पर करने हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस, नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर इम्पेयर्ड बॉडी अलाइनमेंट एंड मोबिलिटी, केयर ऑफ डाइंग पेशेंट एंड केयर ऑफ प्रेशर पॉइंट्स। 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट नोट आपने इसमें लिखने हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, आपको 2 से 3 लाइनों में आपने इनको एक्सप्लेन करना है। ये भी आपको 5 क्वेश्चन करने हैं इसमें से। कोल्ड एप्लीकेशन क्या होता है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, टाइप ऑफ बैंडेज, थेरेप्यूटिक पोजीशन एंड हैंड हाइजीन एंड टाइप ऑफ रिकोर्स। तो टाइप्स ऑफ बैंडेजेस, ये आपका फर्स्ट एड का क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग MCQs, आपको दिए हुए हैं, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके आपको ऑप्शंस दिए होंगे, इनमें से आपने एक राइट ऑप्शन को चुनना है। सब फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें मेथड ऑफ इंजेक्शन बाय विच ड्रग एंड फ्लूइड डायरेक्टली इंट्रोड्यूस इनटू द बोन मैरो इज नोन एज, ठीक है, ऐसा कौन सा मेथड है जिसके थ्रू ड्रग एंड फ्लूइड डायरेक्टली बोन मैरो में दिया जाता है, उस मेथड को क्या कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इंट्रामस्कुलर, इंट्राओसिस एंड इंट्रास्पाइनल एंड हाइपोडर्मल। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन है इसमें अप्रोप्रिएट टेक्निक टू असेस द स्किन फॉर द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, कौन सी टेक्निक से स्किन ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर को जांचा जाता है, एजुकुलेशन, इंस्पेक्शन, पल्पेशन एंड प्रिकॉशन। थर्ड है इसमें विच ऑफ द फ्लोइंग स्केल इज़ यूज टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियस, लेवल ऑफ कॉन्शियस जांचने के लिए कौन सा स्केल यूज़ किया जाता है, ग्लासगो कोमा स्केल, बोर्ड स्केल एंड रॉबर्ट स्केल एंड नन ऑफ अबव। तो कुछ के आंसर आपको यहाँ पर मेंशन है और कुछ आपने खुद सर्च करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें द कंडीशन इन विच द यूरिन नॉट एक्सपेल्ड फ्रॉम द ब्लैडर इज नोन एज, रिटेंशन ऑफ यूरिन, इनकंटिन्यू ऑफ यूरिन एंड मिक्ट्रेशन एंड सुप्रेशन। नेक्स्ट है इसमें प्रोलॉन्ग फंक्शनिंग ऑफ द ट्रेकोस्टॉमी में कोस क्या कर सकता है, ट्रेकोस्टॉमी का बार बार संक्शन करना लंबे समय तक, एनोरॉक्सिया कर सकता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग कर सकता है, एंड हाइप्रोक्सिया एंड कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, या फिर मायोकार्डाइटिस हो सकता है, या फिर इंडोकार्डाइटिस हो सकता है। तो आपने इसमें राइट ऑप्शन चूज करने हैं। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग MCQs, 5th क्वेश्चन भी आपका MCQs बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट आता है इसमें विजुअलाइजेशन ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन थ्रू द एब्डोमिनल वॉल इज नोन एज, गैस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, लेप्रोटॉमी या फिर गैस्ट्रेक्टॉमी। नेक्स्ट आता है मोस्ट सुटेबल पोजिशन फॉर लंबर पंक्चर के लिए कौन सी पोजिशन दी जाती है, प्रॉन पोजीशन, स्पाइन पोजीशन, एल शेप या फिर सी शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ड्यूरिंग ABG एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम कैपिलरी से लिया जाता है, वेन से, आर्टरी से, या इट कैन बी टेकन फ्रॉम एनी साइट। नेक्स्ट है इसमें डाइट रिकमेंडेड फॉर पेप्टिक अल्सर पेशेंट इज, यानी कि पेप्टिक अल्सर पेशेंट को कौन सी डाइट दी जाती है, सॉफ्ट डाइट दी जाती है, ब्लेंड डाइट, लिक्विड डाइट या फिर नॉर्मल डाइट दी जाती है। द पर्पस ऑफ द एनीमा देने का क्या पर्पस है, टू गिव द मेडिकेशन, टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, टू प्रिपेयर फॉर क्लोनोस्कोपी। तो इसमें से आपने
काफ़ी के आंसर आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, एक दो के आंसर यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं, तो आपने उन आंसर्स को निकालना है और कमेंट करके बताने हैं कि उनके आंसर क्या रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।